हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा आर्ट शाला में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ये इनर लेकर आई हूँ। ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए मैंने बनाया है। इसको फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल प्लेन बनाया है। इसमें मैंने 50 फंदे डाले हैं। आइए फ्रेंड्स इसे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 50 फंदे डाल लिए हैं। आइए हम इन्हें गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। मैंने ये डबल डबल करके फंदे गिने हैं। ये हमारे टोटल 50 फंदे हैं। अब फ्रेंड्स इसके ऊपर हम बॉर्डर बनाएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले पहली सिलाई हम ऐसे सीधी सीधी निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सीधा बुनते हुए फ्रेंड्स 6 सिलाइयाँ निकाल लेंगे। दोनों तरफ से हम सीधा सीधा ही बनाएंगे। ये देखिए हम ऐसे सीधा बुनेंगे। ये पूरी सिलाई हम ऐसे ही निकाल लें। मैंने ये पूरी सिलाई सीधी निकाल ली है। अब हम इसकी उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी साइड से भी फ्रेंड्स हम पूरी सिलाई ऐसे ये पीछे वाली सीधी ही निकाल लेंगे। दोनों तरफ से फ्रेंड्स हम ऐसे सीधा सीधा ही बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए फ्रेंड्स हम 6 सिलाइयाँ निकाल लेंगे। एक सिलाई हमारी निकल चुकी है, ये हमारी दूसरी सिलाई है। फिर तीसरी निकालेंगे, फिर इधर से चौथी, फिर इधर से पांचवी, इधर से छठी। ऐसे ही करते हुए फ्रेंड्स हम ये 6 सिलाइयाँ निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 6 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। इससे हमारी ये 3 रो बन गई हैं। 1 2 3 6 सिलाइयाँ मैंने ये सीधी सीधी निकाल ली है। अब एक सिलाई और फ्रेंड्स हम ऐसे ही सीधी निकाल लेंगे। ये हमारी 7वीं सिलाई है। इसे हम पूरा इधर से सीधा निकाल लेंगे। इस सिलाई को हम ऐसे ही पूरा निकाल लेते हैं। सीधी सिलाई निकाल के फ्रेंड्स हम उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी साइड से हम ये सिलाई ऐसे आगे की तरफ से उल्टी निकाल लेंगे। ये पूरी सिलाई फ्रेंड्स हम ऐसे उल्टी ही निकाल लेंगे। जी, मैंने ये पूरी उल्टी सिलाई निकाल लिया। अब हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड से फ्रेंड्स हम ये हर बार सीधी सिलाई निकाल लेंगे और उल्टी साइड से हम इसकी उल्टी सिलाई निकाल लेंगे। ऐसे हम ये सीधी सिलाई निकालते हुए अपनी ये कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह बनाते हुए फ्रेंड्स एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी बनाते हुए हम ये 42 सिलाइयाँ निकाल लेंगे, यानी कि हम 42 सिलाइयाँ निकाल लेंगे। सीधी साइड से हम ऐसे सीधा बनाएंगे और उल्टी साइड से हम उल्टी बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 42 सिलाइयाँ निकाल ली है। हम इसको उल्टी साइड से गिन कर देखेंगे। ये देखिए, हम इधर से ऐसे करके इनको गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 और एक ये 42। ये हमने टोटल 42 सिलाइयाँ निकाली हैं। बॉर्डर में हमारी ये 6 सिलाइयाँ निकली हैं और 42 हमने ऊपर निकाली है। फ्रेंड्स हमारी ये टोटल 48 सिलाइयाँ हो गई है। अब हम इसकी यहाँ से मुड्ढे की कटाई करेंगे और यहाँ से हम बनाएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर 8 फंदे अपने ऐसे सीधे बुनेंगे। 4 5 6 7 और एक ये 8। 8 फंदे देखिए हमने ये सीधे बना लिए हैं। 8 फंदे सीधे बनाकर फ्रेंड्स हम जो हमारा ये आगे वाला फंदा है, इस फंदे को हम ऐसे पलटेंगे और यहाँ से हम 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। अब बीच के फंदे हम सारे सीधे बनाएंगे। इधर से हम 10 फंदे छोड़ देंगे, बाकी के सारे फंदे फ्रेंड्स हम ये सीधे बनाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमने 2 फंदों को एक किया है, यहाँ पर हमारा एक फंदा घट गया है।
और आगे ये फंदे हम ऐसे सीधे बनाएंगे। एक एक दो तीन चार और एक ये पाँच, हमारे ये 10 फंदे बच गए हैं। अब हम इन 10 फंदों में से ये 2 फंदे हम आगे से इस तरह से लेते हुए 2 फंदों का यहाँ पर हम एक करेंगे और आगे के 8 फंदे हम ये सीधे बनाएंगे। देखिए 8 फंदे हमने ये सीधे बना लिए। अब हम इसकी उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी साइड से फ्रेंड्स देखिए, जो हमने इधर से ये सीधे फंदे बनाए 8 फंदे, हम उल्टी साइड से भी इन फंदों को ऐसे सीधा ही बनाएंगे 8 फंदों को। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, ये 8 फंदे सीधे बनाकर हम आगे धागा करेंगे। और देखिए जो फंदा हमने 2 फंदों का ही किया था, इस फंदे को हम ऐसे ही बिना बुना उतार लेंगे और आगे के फंदे हम ये बीच वाले उल्टे बनाएंगे। इन फंदों को हम ऐसे उल्टा बनाएंगे। देखिए हमने ये बीच वाले फंदे अपने उल्टे बना लिए हैं। अब एक फंदा हमारा, ये जो फंदा हमने 2 का एक किया था वो वाला फंदा है, इसे हम ऐसे ही बिना बुना उतारेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और 8 फंदे हम ये यहाँ से सीधे बनाएंगे। दोनों साइड से हमने ये 8-8 फंदे फ्रेंड्स दोनों सिलाई में सीधे बनाने हैं, उल्टी सिलाई में भी और सीधी सिलाई में भी। ये देखिए हमने 8 फंदे सीधे बना लिए हैं। अब हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड से दोबारा फिर हम फ्रेंड्स अपने ये 8 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 8 फंदे सीधे बनाकर जो हमारा ये फंदा है जो हमने जहाँ पर घटाया था, इस फंदे को दोबारा हम ऐसे पलटेंगे और यहाँ पर हम 2 फंदों का एक करेंगे ऐसे पीछे की साइड से लेते हुए और फिर बीच के फंदों को सीधा बनाएंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स हम यहाँ पर भी 2 फंदों का एक करेंगे, बीच के फंदे हम सीधे बनाएंगे। बीच के सीधे फंदे बनाकर फ्रेंड्स देखिए हम अपने यहाँ तक आ गए हैं। हमने एक फंदा इधर से ऐसे ही छोड़ लिया है और एक फंदा हमारा ये घटाई वाला है। अब इधर से हम ऐसे ये हम एक इधर से फंदा घटाते हैं, फिर एक बार इधर से फंदा घटाते हैं। देखिए एक फंदा इधर से छोड़ते हम 2 फंदों का एक करेंगे दोनों साइड से। देखिए और हम आगे के 8 फंदे अपने ऐसे सीधे बना लेंगे। अब हम इसकी उल्टी साइड है, उल्टी साइड में भी हम जैसे हमने पहले निकाला वैसे ही निकालेंगे। 8 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, 8 फंदे सीधे बनाकर फ्रेंड्स हम आगे धागा करेंगे और जो फंदा हमारा ये कटा हुआ है इस फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे। और बीच के देखिए बीच के फंदे हमने ये उल्टे बना लिए हैं। अब हमारा ये वाला फंदा आ गया जो हमारा कटाई वाला फंदा है, इस फंदे को हम ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और पट्टी के ये 8 फंदे हम ऐसे ही सीधे बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये इधर से 8-8 फंदे दोनों साइड हमारे सीधे हैं। एक फंदा हमारा यहाँ से घटता हुआ जाता है, एक फंदा हमारा यहाँ से घटता हुआ जाता है। इसी तरह से फ्रेंड्स हम अपनी ये 5 रो बना लेंगे। 1 2 2 रो हमारी बन गई है, 3 रो हम ऐसे ही और बनाएंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पांच रो अपनी बना ली हैं, एक दो तीन चार और एक ये पांच। यहाँ पर हर बार हम एक फंदा सीधी सिलाई में कम करते गए हैं, घटाते गए हैं, एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से, दोनों साइड से देखिए हमारी ऐसे तिरछी सी शेप आ गई है। अब हम फ्रेंड्स अपने ये पूरे फंदे जैसे हमने ये नीचे बनाए थे, ऐसे ही हम तीन रो यहाँ पर बनाएंगे। दोनों तरफ से हम सीधी सीधी सिलाई निकालते हुए तीन रो बना लेंगे। आठ फंदे हम ये जो हमारे ये बड़े फंदे हैं इन्हें हम ऐसे सीधा ही बनाएंगे, देखिए। और जो अब हमारा ये बड़ा फंदा है इसे भी हम सीधा ही बना लेंगे। इसी तरह से हम ये पूरी सिलाई निकाल लेंगे। हमने ये पूरी सिलाई सीधी निकाल ली है। अब हम इसकी उल्टी साइड हैं, उल्टी साइड से भी फ्रेंड्स हम ऐसे सीधी वाली सिलाई ही निकाल लेंगे। दोनों साइड से अब हम सीधी सीधी सिलाई निकालते हुए फ्रेंड्स अपनी ये तीन रो बना लेंगे। तो हम ये छह सिलाइयाँ निकाल लेंगे, एक निकल चुकी है, ये हमारी दूसरी सिलाई है। जैसे हमने नीचे ये तीन रो बनाई हैं ऐसे ही यहाँ पर हम ये तीन रो बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये अपनी छह सिलाइयाँ निकाल ली हैं, इससे हमारी ये तीन रो बन गई हैं। अब हम इसकी स्टेप बनाएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स हम आठ फंदे ये अपने सीधे वाले और एक फंदा ये नौ फंदे हम लेंगे। ऐसे सीधा बनाते हुए दो तीन चार पाँच छ सात आठ और एक फंदा हम ये वाला लेंगे। ये हमारे नौ फंदे हो गए हैं। इसको हम यहीं से मोड़ते हुए दोबारा हम इसको यहीं से ऐसे धागा पीछे करके सीधा बनाएंगे। ऐसे ही दोनों साइड से फ्रेंड्स हम ये सीधा ही बनाएंगे नौ फंदों को। ये देखिए, अब हम इसको दूसरी साइड मोड़ेंगे, सीधी साइड। सीधी साइड से भी हम इन फंदों को ऐसे सीधा ही निकालेंगे। दोनों साइड से ऐसे ही सीधा निकालते हुए फ्रेंड्स हम ये 12 रो बना लेंगे। आठ रो हमारी, पांच रो हमारी ये हैं और तीन रो हमारी ये बनी है। इन आठ रो को छोड़ते हुए इसके ऊपर अलग हम 12 रो ऐसे ही नौ फंदों की बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी ये 12 रो बना ली हैं। आठ रो हमारी ये नीचे की थी, पांच ये और तीन ये, इससे अलग हमने ये 12 रो बनाई है। ये हमारी पूरी स्टेप बन गई है। अब हम इस यहाँ से थोड़ा सा धागा कट करेंगे, थोड़ा सा लंबा छोड़ते हुए धागे को हम काट लेंगे। और अब यहीं से हम इसी धागे को लेते हुए यहाँ पर हम अपना ये धागा ज्वाइन करेंगे। ऐसे हम इसको यहाँ पर जोड़ लेंगे धागे को। देखिए, हमने ये दो फंदे बना लिए। अब हम पहले वाला फंदा इस फंदे के ऊपर से ऐसे उतार लेंगे, फिर हम एक फंदा बुनेंगे, इसे भी हम दूसरे फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। अब हम आगे एक फंदा और हम आगे बुनेंगे, इसे भी फ्रेंड्स हम इसके ऊपर से ऐसे उतार लेंगे। इस धागे को हम ऐसे दबाते हुए जाएंगे। ये देखिए, ये फ्रेंड्स हम अपने या नौ फंदों को छोड़कर बाकी के सारे फंदे हम अपने ये बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये अपने सारे फंदे बंद कर दिए हैं। अब हम इधर से अपने नौ फंदे रखेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और एक हमारा ये नौ। नौ फंदों को हम फ्रेंड्स जैसे हमने ये स्टेप बनाई है ऐसे ही हम 12 रो देकर ये स्टेप बनाएंगे। दोनों तरफ से ऐसे ही हम सीधा सीधा बनाएंगे। जैसे हमने ये बनाई है ऐसे ही हम इधर बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना ये दोनों तरफ से स्टेप बना ली है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम एक पीस और बनाएंगे। जैसे हमने ये बनाया ऐसे ही हम एक पीस और बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना ये दूसरा पीस भी बना लिया है। हमने ये दोनों पीस बिल्कुल सेम बनाए हैं। जैसे हमने ये वाला पीस बनाया ऐसे ही हमने ये वाला पीस भी बनाया। अब हम इन दोनों पीस को फ्रेंड्स आपस में ज्वाइन करेंगे। देखिए, हम दोनों जो हमारी ये सीधी साइड है, दोनों सीधी साइड को फ्रेंड्स आपस में हम ऐसे पकड़ेंगे दोनों को।
ऐसे पकड़ते हुए दोनों सिलाई को, इनको हम फंदों को यहाँ से ज्वाइन करेंगे। देखिए हमारे ये दो धागे हैं, दोनों धागों को हम ऐसे लेते हुए एक फंदा इस सिलाई से लेंगे और एक फंदा इस सिलाई से, और दोनों धागों से ही हम यहाँ पर इन फंदों को ज्वाइन करेंगे। दो फंदों को हमने एक किया, अब हम आगे से भी एक फंदा और ऐसे लेंगे और दूसरी सिलाई से भी, फिर दो फंदों का एक करेंगे। ऐसे ही हम ये जो हमारा पहले वाला फंदा है इसे हम इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे, फिर हम एक फंदा इसमें सिलाई में से लेंगे और एक फंदा दूसरी सिलाई में से, दो फंदों का एक करेंगे, फिर हम पहला फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स हम अपने ये पूरे फंदे ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपने पूरे फंदे ये ज्वाइन कर दिया है। अब हम इन फंदों को जो हमारा धागा इसे हम यहाँ से कट कर देंगे, और जो हमारे एक फंदा बच गया इसके अंदर से हम धागे को ऐसे निकालते हुए इसे यहाँ पर हम टाइट सा बंद करेंगे। अब हम इधर वाले फंदे को भी फ्रेंड्स इसी तरीके से ज्वाइन करेंगे। देखिए दोनों धागे को ऐसे लेते हुए एक फंदा हम इधर से लेंगे और एक फंदा दूसरी सिलाई से लेते हुए इन फंदों को भी हम ज्वाइन करते चले जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों साइड से अपनी ये स्टेप ज्वाइन कर दी है। अब हमें इस वाले धागे को फ्रेंड्स सिलाई से ही यहाँ पर पक्का करते हुए चलेंगे। ऐसे हम देखिए ऐसे सिलाई को डालेंगे और इसके ऊपर से धागा लेते हुए हम अपनी साइड खींच के लाएंगे, इसको ऐसे निकालेंगे, फिर हम दोबारा एक बार और हम ऐसे ही इस धागे को खींचेंगे और इस फंदे के अंदर से हम दोनों धागे को निकाल देंगे, और जो हमारा ये एक्स्ट्रा वाला धागा है इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स हम दूसरी साइड से भी करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपना धागा ये पक्का कर दिया दोनों साइड से। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। हम यहाँ से देखिए जो हमारी ये वाली लाइन है इनको आपस में ऐसे मिलाते हुए यहाँ तक हम सिलाई करेंगे, नीचे से लेकर यहाँ से लेते हुए हम यहाँ पर इसकी सिलाई करेंगे, फिर हम दूसरी साइड की भी ऐसे ही सिलाई करेंगे। देखिए हमने सुई में यहाँ से ये धागा डाल लिया है। अब हम इन दोनों तरफ से पीस को ऐसे पकड़ेंगे और जो हमारे देखिए ये धागे हैं इन धागे को हम ऐसे अंदर की साइड करते हुए यहाँ पर हम दोनों साइड से ऐसे टांका लगाएंगे। एक फंदा इधर से उठाएंगे और एक फंदा हम दूसरी साइड से उठाएंगे, और इन धागे को हम ऐसे दबाते हुए ये सिलाई करेंगे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए हमारे ये धागे बिल्कुल अंदर चले गए हैं। अब हम दोनों को यहाँ से ऐसे पकड़ते हुए बिल्कुल और इसको ऐसे सिलते हुए जाएंगे। हम इसको ऐसे बड़ा टंके से सिल लेंगे। देखिए हम इसके पीछे जो हमारा ये धागा है इस धागे के पीछे की साइड से हम लेंगे और दोनों तरफ से ऐसे लेते हुए इस धागे के आगे वाले धागे में हम निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे सिलते हुए फ्रेंड्स हम अपना ये पूरा करेंगे। इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये पूरा सिल लिया है, जहाँ तक हमारी ये लाइनें हैं वहाँ तक मैंने ये सिला है। अब इसे हम यहीं से ऐसे मोड़ते हुए दोबारा इसको उसी साइड लेकर जाएंगे, थोड़ा सा ये हमारा पक्का हो जाएगा। देखिए ऐसे लेते हुए इसको वापस हम यहाँ पर धागे को पक्का करेंगे।
देखिए सुई को निकाल देंगे और यहाँ से हम इस धागे को कट करेंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड से सिल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको दोनों साइड से सिल लिया है। दोनों साइड से सिलने के बाद फ्रेंड्स हम इसे सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद फ्रेंड्स देखिए हमारा ये इनर ऐसे बना है, बनकर हमारा ये तैयार हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये इनर बनकर तैयार हो गया है और बनने के बाद फ्रेंड्स ये ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए इधर से भी हमारा ये प्लेन है और इधर से भी हमारा ये प्लेन है। न्यू बोर्न बेबी के लिए फ्रेंड्स हम ऐसा ही पैटर्न बनाते हैं, सीधा सीधा सिंपल बनाते हुए। थैंक यू फ्रेंड्स।